हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिरचा। दोस्तों, नायका पर इस समय चल रहे हैं समर सुपर सेवर डेज, और जो कि चलने वाले हैं 8 ऑफ मई तक। 3 तारीख से ये शुरू हुआ है और 8 मई को ये जो है एंड होने वाला है। तो मैंने परचेज किए हैं नायका से काफी सारे। आप ये देख सकते हो, काफी सारे मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और एक दो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसका आज मैं आपके साथ हॉल शेयर करने वाली हूं। अगर आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अंडर 200 परचेज करना चाहते हो तो आप ये वाले प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हो, और इसमें नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादातर ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर ऑयली स्किन के साथ साथ मैं ड्राई स्किन के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, जैसे मैंने कहा कि अंडर 200 है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एक कॉमन सा जो प्रोडक्ट है वो मैंने परचेज किया है, जो कि है पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आप ये देख सकते हो, ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैंने इस बार परचेज किए वो सारे ही जो है मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किए हैं। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैं काफी टाइम से परचेस करना चाह रही थी, क्योंकि मेरी भी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली की तरफ ही जाती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा जो है स्वेट वगैरह आने की प्रॉब्लम रहती है, तो मेकअप करने के लिए स्टार्टिंग में अपने स्किन केयर के लिए ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा मन था लेने का, और मैंने इसको लिया और मैंने इसको चेक भी कर लिया है। ये पहले मैं बता दूं, ये आता है फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन के लिए। इसमें आपको मिल जाएंगे हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी जो है ऑयली स्किन है या फिर बहुत ज्यादा स्वेट वगैरह आता है तो समर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसका जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी, ये 147 ग्राम्स की। एंड इसका एक्चुअल जो है प्राइस है वो है 309 रुपीज का, एंड इसकी शेल्फ लाइफ आपको 3 इयर्स की मिल जाएगी। एंड ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला है 209 रुपीज में। तो ये हो गया। एंड इसकी वैसे तो आप सबने कई बार इसको देखा ही होगा, मैंने इतना सा यहां से इसको ओपन कर लिया था और चेक कर लिया था, तो इसको मैं दिखाती हूँ। एकदम लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली टाइप का है। इस टाइप से कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जेल लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है, इस टाइप से दिखता है। इसको मैं अगर आपको हाथों पे स्वॉच करके दिखाऊं तो एकदम पानी जैसा बिल्कुल लाइट सा फील होता है, और बहुत ही अच्छे से ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन के अंदर, और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, एकदम लाइट सा लगेगा। आप इसको यूज करोगे तो आपकी स्किन नरिश तो रहेगी ही, क्योंकि इसके अंदर हाइलोरोनिक जो एसिड होता है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से जो है हाइड्रेट करता है, बट बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये हो गया है, एंड काफी ज्यादा क्वांटिटी है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, बहुत टाइम चलने वाला है। ये हो गया। एंड इसके बाद मैं बात करूंगी कुछ फेस वॉशेस की। तो यहां पर मैं रैंडमली उठा रही हूँ वैसे तो, पर मैं साइड में कर लेती हूँ। तो फर्स्ट जो फेस वॉश मैंने परचेज किया है वो है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक का लेवेंडर फेस वॉश। इस टाइप से कुछ इसकी पैकेजिंग आती है, बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है, लेवेंडर ही जो है इसका कार्डबोर्ड बॉक्स है। एंड ये सीधे ऐसे ही नहीं आता, कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। एंड यहाँ पर साइड में मेंशन किया हुआ है कि ये ग्लोबल वेजिटेरियन सर्टिफाइड है, एंड इसमें एसेंशियल ऑयल्स लीव्स नो टॉक्सिन बिहाइंड, कुछ ऐसा जो है इसमें मेंशन किया हुआ है। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एंड अरोमा थेरेपी है इसके अंदर, एंड रिसाइकल्ड पैकेजिंग है। जो इसकी पैकेजिंग है ये बता रहे हैं कि इसमें कि ये रिसाइकल्ड है। एंड इसका जो नेट वेट है वो है 100 ग्राम्स का, एंड इसकी इसका जो प्राइस है वो है 190 रुपीज का, एंड इसकी भी शेल्फ लाइफ थी 3 इयर्स की है। और इसको अगर मैं आपको निकाल कर दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से जैसे नॉर्मल सी पैकेजिंग आती है उस टाइप से है, ये इस टाइप का कैप है, आप इसको यहां से निकाल सकते हो। एंड बिल्कुल ही जैसे होता ना मिल्की व्हाइट सा, उस टाइप से इसका जो है देखने में लगता है। एंड इसका जो है यहां पर लिखा हुआ है कि हेल्प्स टू हाइड्रेट एंड सॉफ्टन। तो ये जो पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट है ये है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हो, एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 190 रुपीज इसका प्राइस है, एंड मुझे ये जो है मिला है 124 रुपीज में आफ्टर डिस्काउंट। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा डिस्काउंट मुझे इसके ऊपर मिला है। तो ये हो गया। तो इसका क्या क्लेम करता है कि आई क्लीन सूथ एंड रिफ्रेश योर स्किन विद लेवेंडर एक्सट्रैक्ट एंड नरिश इट विद अल्ट्रा व्हिप्ड शिया बटर। तो इसके अंदर शिया बटर भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो नरिश रहेगी, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होगी। आई एम नॉट मेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स पैराबेन अल्कोहल आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर। तो इसके अंदर ये सारी कुछ मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है फेस वॉश ये हो गया, एंड सेकंड जो मैंने फेस वॉश परचेज किया है वो है नायका नेचुरल्स का।
तो कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है, नॉर्मल सी जैसे फर्स्ट वाले की थी, बट इसके ऊपर कुछ कार्डबोर्ड वगैरह पैकेजिंग नहीं आती है। ये आता है विद कुकुम्बर एंड एलोवेरा, ये भी हाइड्रेटिंग फेस वॉश है फॉर ड्राई स्किन, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन के लिए होगा क्योंकि हाइड्रेटिंग है, तो ड्राई स्किन वाले इसको आराम से यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये किस स्किन टाइप के लिए है। ये भी आपको पैराबेन फ्री मिल जाएगा, नो एनिमल टेस्टिंग है एंड मिनरल ऑयल फ्री है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, तो ये आप आराम से ड्राई स्किन वाले भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देगा। इसका प्राइस मैं अगर चेक करूं तो बहुत ही मुझे कम रेट में मिल गया है, ये 139 रुपीज इसका एक्चुअल में प्राइस है, 100 ml का ये जो है पैकेजिंग है इसकी, एंड ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिल गया है 70 रुपीज में, तो बिल्कुल हाफ प्राइस में मिल गया है मुझे, 50% ऑफ में ये मुझे मिला है, तो बहुत ही अच्छी डील है। अगर ये टाइम पे वीडियो पोस्ट हो जाता है तो आप इसको जरूर परचेज करना। और इसके अलावा मैंने एक और फेस वॉश लिया है जो कि है हिमालया का, ये फेस वॉश है मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश विद एनरिच्ड विद नेचुरल विटामिन ई प्रिवेंट ड्राइनेस। तो इसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि ये ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, एंड ये भी एलोवेरा एंड क्यूकुम्बर से बना हुआ है, एंड कूल्स एंड सॉफ्टन्स ड्राई स्किन। तो यहां पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये ड्राई स्किन को कूल एंड सॉफ्ट करता है। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ml की, एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 70 रुपीज है, वैसे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में है, बट इसकी जो है मतलब पैकेजिंग है वो 50 ml की है, तो ये दोनों लगभग सेम ही जो है प्राइस में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 100 ml का है, 139 का एक्चुअल प्राइस है, 70 रुपीज मुझे ऐसे मिला था, एंड ये 50 ml का है, 70 रुपीज इसका प्राइस है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे कुछ ₹64 रुपीज का मिला है, तो बहुत ज्यादा इसमें डिस्काउंट नहीं था, नायका वाले पर ज्यादा डिस्काउंट था, तो आप दोनों में से देख सकते हो, दोनों ही ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट रहेंगे, हाइड्रेटिंग रहेंगे, तो ये दूसरा हो गया। एंड जैसे मैंने बताया इसके अंदर भी आपको कुकुम्बर एंड एलोवेरा मिल जाएगा। इसके बाद एक मैंने और फेस वॉश परचेज किया है जो कि स्किन एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है, ये वादी हर्बल्स का है और बहुत ही क्यूट सी ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है इसकी। इसका जो फेस वॉश है वो भी रेड कलर का है, पहले वाला नायका वाला ट्रांसपेरेंट था, एंड ये वाला थोड़ा सा ग्रीनिश आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, बट ये रेड कलर में है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी से बना हुआ इसमें लिखा हुआ है। तो ये स्किन एक्सफोलिएटिंग स्ट्रॉबेरी स्क्रब एंड फेस वॉश है विद मलबरी एक्सट्रैक्ट, तो कुछ ये इस टाइप से दिखता है, एंड ये इसके अंदर आपको स्क्रब के थोड़े से पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, एंड साथ में जो है इसमें एक बिल्कुल जेल जैसा दिखने वाला इसका जो है टेक्सचर है। तो इसको मैंने यूज करके भी देखा है, बहुत ही अच्छा है। कई सारे आजकल फेस वॉशेज में जो है एक्सफोलिएटर मिक्स करके देते हैं, यानी कि स्क्रब मिक्स करके देते हैं, तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, आप जब भी इसको यूज करते हो वो अपनी स्किन जो है बहुत अच्छे से क्लीन नजर आती है, तो ये भी बहुत ही जो है मुझे पसंद आया, इसको मैंने यूज करके देख लिया है। यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस स्किन टाइप के लिए है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्पेशली फॉर्मुलेटेड स्क्रब फेस वॉश टू गिव यू क्लियर स्किन व्हाइल डीपली नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इट। द स्ट्रॉबेरी कंटेंट माइल्डली एक्सफोलिएट द स्किन टू रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड फ्लेक्स फ्रॉम द सर्फेस। एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन रिच मलबरी हाइड्रेट द स्किन एंड हेल्प इट रिपेयर फास्टर। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये सारी चीजें, एंड इसका प्राइस जो है वो है 69 रुपीज का, एंड 3 इयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है, एंड इसका जो पैकेजिंग है वो है 60 ml की, एंड ये मुझे मिला है 59 रुपीज का। तो 69 रुपीज इसका प्राइस था, वैसे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में है, बट 10 रुपीज का मुझे इस पर ऑफ मिला है, तो ये मुझे 59 रुपीज का पड़ा है। इसके अलावा मैंने एक और फेस स्क्रब जो है परचेज किया है, वो भी है नायका नेचुरल्स का, और ये भी एक हाइड्रेटिंग फेस स्क्रब है, यानी कि ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट जो है स्क्रब रहेगा। तो ये भी आता है क्यूकुम्बर एंड एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस स्क्रब है, 100 ग्राम्स की इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 249 रुपीज का। इस पर मुझे क्या डिस्काउंट मिला है, इस पर मुझे डिस्काउंट मिला है, ये 249 रुपीज का है, यानी 250 के अराउंड था, इस पर भी मुझे 50% का ऑफ मिला है, यानी कि ये मुझे 125 रुपीज में पड़ गया था। तो ये हो गया बहुत ही ज्यादा जो है मुझे नायका के प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है, खुद के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा था जो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मैंने 2 दिन ऑर्डर किया था, तो मुझे 100 रुपीज ही और पे करने थे और मुझे एक लिपस्टिक फ्री में मिल जाती, क्योंकि ऑफर चल रहा था कि 700 की अगर आप परचेज करते हो नायका के प्रोडक्ट्स पर तो आपको एक लिपस्टिक कुछ 349 या कुछ ऐसे ही की थी कि वो आपको फ्री मिल जाएगी, बट मैंने चूंकि ऑर्डर 2 दिन अलग अलग दिन पर किया था तो नायका के प्रोडक्ट्स तो मैंने परचेज किए बट मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं मिला। तो ये गलती आप मत करना, सब चीजें अच्छे से देखभाल कर उसके बाद ही इसको मतलब परचेज करना, जो भी परचेज करना है आपको। इसके अलावा एक और मैंने जो है स्क्रब परचेज किया है,
ये भी मैंने लिया है फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये बायोटिक का जो है स्क्रब है और ये है बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आयुर्वेदिक रेसिपी है, 100% बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किए हुए हैं ऐसा इस पर मेंशन किया गया है। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम्स की एंड इसका जो प्राइस है वो है 75 रुपीज का, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 55 रुपीज में मिल गया था। एक सेकंड में चेक करके बताती हूँ, ये मुझे ये 75 रुपीज का इसका प्राइस है बट मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट 55 रुपीज का मिल गया था, तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा डिस्काउंट मिल गया मुझे। तो इसमें मेंशन किया होगा आप इसको डेली भी यूज कर सकते हो, बट डेली कौन यूज करता है स्क्रब, हफ्ते में 2 से 3 बार काफी रहता है। मेंशन किया हुआ है तो आप करके चेक भी कर सकते हो। दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें ये मेंशन किया हुआ है। तो ये हो गया मेरा स्क्रब। अब इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, नहीं दो है, एक और प्रोडक्ट मैंने परचेज किया ब्लॉसम कोचर का, जो कि है अरोमा मैजिक आलमंड मॉइस्चराइजिंग लोशन। कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है, छोटी सी ये बॉटल है, बहुत ही प्यारी सी, एंड इसका जो नेट वेट है वो है 100 ml का एंड इसका जो प्राइस है वो है 195 रुपीज का एंड इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की। ज्यादातर प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है एंड इस पर भी मुझे डिस्काउंट मिला था। हाँ, तो ये 195 रुपीज का इसका प्राइस है बट ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 146 रुपीज का मिला है। और ये आलमंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है, नरिशेस एंड रिवाइव्स डेली यूज मॉइस्चराइजर, 24 आवर्स नरिशमेंट, तो इस टाइप से कुछ दिखता है। एंड चूंकि ये आलमंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है एंड हाइड्रेटिंग इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, इसको भी मैंने यूज करके देखा है, काफी सॉफ्ट हो जाती है स्किन। बट इसमें मुझे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लग रही है कि इसकी जो स्मेल है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, वो थोड़ी सी जैसे होता है ना मेडिसिन टाइप की होती है उस टाइप से। जब भी मैं 2 बार मैंने इसको यूज कर लिया है जब से ये आया हुआ है, तो मुझे जब भी मैं इसको लगाती हूँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ मेडिसिन जैसा इसमें से जो है फ्रेग्रेंस आ रही है। एंड इसमें मेंशन किया हुआ एनरिच्ड विद SPF 15, तो इसके अंदर आपको SPF 15 भी मिल जाएगा। आई प्रोटेक्ट मॉइस्चर, आई प्रोटेक्ट ये अपने आप से बताता है सारी बातें, आई प्रोटेक्ट मॉइस्चराइज एंड रीजेनरेट योर स्किन, द रिवाइटलाइजिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ आलमंड फ्रूट एंड लोटस लीफ सील इन द मॉइस्चर इम्पार्टिंग इंस्टेंट रिलीफ टू ड्राई एंड डेलिकेट स्किन। हाँ, तो यहां पर ये मेंशन किया हुआ है कि ड्राई एंड डेलिकेट स्किन के लिए ये अच्छा है, वो उसको इंस्टेंट रिलीफ देता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वीट जर्म एंड जोजोबा ऑयल्स टुगेदर विद मैंगो सीड बटर इफेक्टिवली रिपेयर एंड सूथ ड्राई एंड डैमेज स्किन। तो ड्राई एंड डैमेज स्किन के लिए यहाँ पर है लिखा हुआ है, अलग से कहीं फ्रंट में नहीं लिखा था बट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आई एम नॉट मेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेन, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर। तो ये हो गया। इसके अलावा मैंने एक और क्रीम परचेज करी है जो मुझे लगा कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए, जो कि है गार्नियर स्किन नेचुरल्स की ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम क्रीम विद SPF 40 PA++++। तो ये जो क्रीम है ये मैंने इसलिए परचेज करी है क्योंकि इसका मैंने सीरम यूज किया हुआ है। तो गार्नियर स्किन नेचुरल्स का जो विटामिन सी सीरम था वो मैंने यूज किया और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। बहुत जल्दी ही वो फेस के डार्क स्पॉट्स जो भी आपके एक्ने वगैरह की वजह से आ जाते हैं वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है। जब मैंने उसको यूज करना शुरू करा था तो 10 से 15 दिन में ही जो भी फेस पे जो है स्पॉट्स वगैरह थे वो उसने जो है रिमूव कर दिए थे। तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करके देखते हैं और काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में भी मुझे मिल रही थी तो मैंने इसको ले लिया। यहाँ पर मेंशन किया हुआ स्पॉटलेस ब्राइट स्किन इन 1 वीक, 3x विटामिन सी प्लस लेमन, तो इसमें मेंशन किया हुआ ये सारी चीजें। इसका जो प्राइस है वो है 249 रुपीज का एंड इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 45 ग्राम्स की एंड इसकी शेल्फ लाइफ भी 3 ईयर्स की है। बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 198 या 199 के अराउंड मिल गई थी, तो मतलब करीब जो है 50 रुपीज के अराउंड इस पर मुझे डिस्काउंट मिल गया था। एंड इसमें मेंशन किया हुआ है कि एनरिच्ड विद 3x विटामिन सी एंड फ्रेश यूजू लेमन, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है सीरम में भी थे, जो विटामिन सी सीरम था इसका। एंड इसको जो है मैंने यूज करके देखा, ये सच में बहुत ही मतलब बढ़िया मुझे लगा इसका फॉर्मूला। और ये इस टाइप से इसकी जो है इनर पैकेजिंग है, बट इसमें एक चीज गड़बड़ कर दी कि इसके अंदर कोई भी कैप यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो जैसे ही ढक्कन खोलो एकदम से ओपन हो जाता है ये, तो इसके लिए आप तैयार नहीं होते क्योंकि ज्यादातर इसमें कैप लग कराती है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ही अच्छी, एकदम माइल्ड सी है लेकिन बहुत अच्छी है। एंड इसको यूज करने पर एकदम जो है हल्की सी ब्राइटनेस ये आ जाती है, अगर आप देखो तो इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको हाथों पर लगाकर दिखाती हूँ, तो एकदम इंस्टेंट ब्राइटनेस सी आ जाती है। यहां पर मैं आपको लगाकर दिखा रही हूं
और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है स्किन के अंदर, ऐसा नहीं लगता है कि जो है मतलब कुछ ऑयलीनेस लग रहा हो, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। और जैसे जो है आप कुछ वो यूज करते हो ना कुछ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, उस टाइप से आपको ये दिखाई देगी। तो आप अगर हाथ मेरे देखो तो यहाँ पर फिंगर्स पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया है, तो आपको अपने आप ही फर्क नजर आ रहा होगा। तो आप अगर इस तरह से कुछ इंस्टेंट ब्राइटनिंग क्रीम यूज करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसमें SPF जो है 40 भी है, तो दिन में भी आप कहीं भी लगाकर जा सकते हो। एंड डेली यूज के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, और अगर ये भी सीरम की तरह ही काम करती है, डार्क स्पॉट्स वगैरह रिड्यूस करने में हेल्प करती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो मैंने परचेज किया है कुछ, अब मैं डिफरेंट चीजों पर आ जाती हूँ। मैंने एक सिंपल सा ये पॉन्ड्स का जो है टेलकम पाउडर जो है परचेज किया है, जो कुछ नई जो है फ्रेग्रेंस में आता है, ऑर्किड्स एंड जैस्मिन नोट्स हैं इसके अंदर। 100 ग्राम्स का है ये, एंड ये 132 रुपीज का मुझे इसका प्राइस पड़ा था, जो इस पे मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। तो ये है, एंड इस टाइप से नॉर्मल जैसे पाउडर होते हैं ये, उस टाइप से बहुत अच्छे से जो है क्रीम को मेरी सेट कर दिया इसने। तो ये हो गया। एंड इसके अलावा मैंने परचेज किया है एक कलर बार का ये ब्यूटी ब्लेंडर, इसका प्राइस है 199 रुपीज, बट ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 139 रुपीज का मिल गया था। और इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है, मैं आपके सामने इसको ओपन कर लेती हूँ। तो इसको मैं आपके सामने ओपन कर लेती हूँ। एकदम छोटू सा है, बिल्कुल क्यूट सा एकदम। अब इसको चेक करना पड़ेगा, इसको वेट करके कि कितना बड़े साइज में हो रहा है। तो अभी तो मैं इसको आपको ऐसे दिखा रही हूँ, सॉफ्ट तो अभी लग रहा है, बट इसको पानी में डाल के चेक करेंगे। इसको यूज करने से पहले पानी में जो है वेट करना होता है, तो सभी को पता होगा, वैसे मैं बता रही हूँ। तो पिंक कलर का है, इसमें शायद ब्लैक कलर भी अवेलेबल था। तो ये हो गया एक परचेज मेरी। एंड मैंने कलर बार का ही जो है सिंदूर भी ऑर्डर किया था, तो ये डार्क माई मरून शायद इसका शेड है, हाँ माई मरून शेड है इसका, 002 नंबर है। एंड इसके मैं स्वाच आपको दिखा देती हूँ, तो कुछ इस टाइप से इसका स्वाच है, बहुत ही प्यारा सा मरून कलर है। इसमें आपको रेड शेड भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसका रेड शेड भी ले सकते हैं। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 145 रुपीज का यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसकी शेल्फ लाइफ भी 3 इयर्स की है, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 102 रुपीज में, आई थिंक हाँ 102 रुपीज में मुझे ये मिल गया था। तो ये हो गया, बहुत ही प्यारा है। एंड इसके अलावा लास्ट जो मैंने परचेज किया है वो है मिस क्लेयर की ये ग्लिमर स्टिक फॉर आईज, पर्ल व्हाइट इसका शेड है, E14 शेड नंबर है। एंड ये मैंने लिया है कुछ आई लुक क्रिएट करने के लिए, जैसे जो रेखा जी वाले लुक होते हैं ना, वो व्हाइट काजल लगाकर बनाती हैं, तो वो उसके लिए मैंने परचेज किया था। इसको अगर मैं चलाकर दिखाऊं तो एकदम जो है एकदम प्योर वाला व्हाइट नहीं है, हल्का जैसे इसके अंदर थोड़ा सा मतलब लाइट लिए हुए है। इसको मैंने थोड़ा सा आईज पर अप्लाई करके देखा तो बहुत ज्यादा मतलब जो है व्हाइटनेस या कुछ अलग से मुझे अभी पता नहीं चला, उस समय शायद मैंने काजल लगा रखा था पहले से इसलिए। बट इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि किस टाइप से निकलती है, आगे आप मेरे मेकअप वीडियोज में इसको देखोगे। तो अभी के लिए अगर मैं आपको स्वाच दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है स्किन पर, बट जब हम अगर इसको आईज के अंदर यूज करते हैं तो वैसे आईज में थोड़ा से वॉटर होता है, आईज में थोड़ा वॉटर होता है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा अच्छे से पिगमेंटेड नहीं होकर आ रही थी। लेट्स सी कैसा आता है। एंड इसका जो प्राइस है वो है 65 रुपीज का, एंड इस पर मुझे 6 रुपीज का डिस्काउंट था मिला था, तो 59 रुपीज में ये मुझे मिल गई थी। आई होप आप सबको ये जो है वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज परचेज करनी है तो मुझे लगता है मैंने आपको डिटेल दे दी है अच्छे से, आप इसमें से जो भी चीज चाहते हो वो परचेज कर सकते हो। और नायका वाला डिस्काउंट लेना बिल्कुल मत भूलना अगर आप नायका के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो। तो फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, एंड ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।